के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बागेश्वर पहुंचे हैं और बागेश्वर पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले क्योंकि कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। वहीं बागेश्वर विधानसभा प्रभारी बसंत कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे और कुछ ही देर में अब शुरू की जाएगी गरुड़ की जनता से संबोधन और साथ ही इसके बाद बागेश्वर के कपकोट में जनसभा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा की जाएगी। वहीं आपकी लगातार जनसभाओं और नेताओं के दौरे से विपक्ष में हलचल मची हुई है, लेकिन इसी से जुड़ी इस वक्त की खबर जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बागेश्वर पहुंचे हैं और जब बागेश्वर पहुंचे मनीष सिसोदिया तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है और कुछ ही देर में गरुड़ की जनता से संबोधन वो शुरू करेंगे और इसके बाद बागेश्वर के कपकोट में जनसभा भी उनके द्वारा की जाएगी। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड के अंदर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए अब लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और अब इसमें जो अब लोग इसमें कार्यकर्ताओं के तौर पर जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ वो ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूती देने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसी को लेकर की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में गरुड़ की जनता से संबोधन भी इस दौरान उप मुख्यमंत्री का होगा। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो कि बागेश्वर पहुंचे हैं और इस दौरान उनका जमकर स्वागत किया गया।